किया। हम सब स्वीकार करते हैं कि सरकार को क्या सूझा ये सारा कुछ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। अखिलेश यादव को अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने गवाह के तौर पर तलब किया है। उन्हें कल यानी 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। पिछले चुनाव यानी 2022 के चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव को एक बार सीबीआई ने नोटिस भेजा था और पेश होने के लिए बुलाया गया था। यह बात खुद अखिलेश यादव ने भी एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले भी एक नोटिस आया था और इस चुनाव में भी एक नोटिस आया है। सीबीआई को इस नोटिस को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव अक्सर कहते रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार पहले ही सीबीआई क्लब में डाल दिया और अब भाजपा भी वही काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सपा कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका है। दोनों दल प्रदेश में गठबंधन में लड़ रहे हैं, जहां सपा ने कांग्रेस को गठबंधन में 17 सीटें भी दी हैं।